हनुमान दोस्तों इस मूवी अच्छा के क्या लीड बात रोल है, में खेसारी ओ लाल यादव नजर आ ओ रहे यादव हैं दोस्तों। ये भी खेल नहीं सकते कि क्या लगता है 100 करोड़ या 1000 करोड़? अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने कम पैसे में प्रोडक्ट बनता है और कितना कमा लेता है वो। हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी भी पैन इंडिया रिलीज हो और अच्छी स्क्रीन मिले और हम भी किसी दिन हमारे इंदौर की किसी स्क्रीन पर भोजपुरी की कोई मूवी देखने जाए। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2024 में रिलीज होने वाली भोजपुरी की 10 बड़ी फिल्में कौन कौन सी है और कौन एक्टर्स हैं इनमें, जिनमें से कुछ के टीजर्स आ चुके हैं और कुछ के टीजर्स आना बाकी है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी मूवीज हैं वो जिनका हम और आप इंतजार कर रहे हैं और कौन सबसे ज्यादा किस मूवी का इंतजार कर रहा है, ये कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखते रहो, आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो है मूवी 10 से और शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं गो। नंबर 10 दोस्तों, नंबर 10 पर है निरहुआ हिंदुस्तानी। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ अमरपाली, मजा आ जाएगा इसको देख के। विजेंद्र पार्ट 3 भी देखना है अभी अपन को, अभी तो पार्ट 3 भी देखना है, पार्ट 2 भी पूरा नहीं देखा है अपन ने। और इस मूवी को 2024 में रिलीज किया जाएगा। क्या बात है। नंबर 9 पर है वन मैन आर्मी। आई एम वेटिंग फॉर दिस। इस मूवी के लीड रोल में प्रदीप पांडे, चिंटू बेबी काजल और शिल्पा पोखरेल नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी का टीजर यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है और इस मूवी को भी 2024 में रिलीज किया जाएगा। सभी से इंतजार है इस मूवी का। नंबर 8 पर लाखन सिंह। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में पावर पवन सिंह, पवन सिंह एक अलग लुक में नजर आने को बनेंगे शायद। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर लिया गया है और इस मूवी को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। ओके। दोस्तों नंबर 7 पर है रंग दे बसंती। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, रति पांडे और डायना खान नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और इस मूवी को भी 2024 में रिलीज किया जाएगा। टीजर भी रिलीज कर दिया गया है वैसे। दोस्तों 6 नंबर पर है सिया राम एक अनोखी कथा। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में पवन सिंह नजर आएंगे। दोस्तों इस मूवी को काफी बड़े लेवल पे शूट किया जाएगा और इस मूवी को भी 2024 में ही रिलीज किया जाएगा। दोस्तों 5 नंबर पर है गॉडफादर। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह नजर आने वाली हैं। ग्रोवर भी है। इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों इस मूवी को 2024 में ही रिलीज किया जाएगा। दोस्तों 4 नंबर पर है पावर स्टार। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल ये में तो बहुत इंतजार है इसका तो भाई। दोस्तों इस मूवी के मेकर्स ने बताया है कि इस मूवी को बहुत बड़े लेवल पर बनाया जाएगा और इस मूवी का पोस्टर भी बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा। दोस्तों नंबर 3 पर है वीर हनुमान। दोस्तों इस मूवी के क्या बात रोल है? में खेसारी लाल यादव नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर होने वाली है बहुत बड़े और हाँ। इस मूवी को भी बहुत बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। दोस्तों इस मूवी का पोस्टर बहुत पहले ही रिलीज कर दिया गया। एक्साइटिंग। दोस्तों नंबर 2 पर है राजा राम। दोस्तों फिर ओ एक भाई बार भाई खेसारी क्या बात है? इस मूवी के लीड रोल में नजर रामायण। दोस्तों ऐसा पहली बार भोजपुरी में हो रहा है कि कुछ अलग कंटेंट यूज किया जाएगा और खेसारी लाल यादव भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों इस मूवी को 2024 के लास्ट तक रिलीज किया जाएगा। दोस्तों नंबर 1 पर है महादेव का गोरखपुर। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में रवि किशन और अलग अलग इंडस्ट्री से काफी सारे एक्टर और एक्ट्रेस को लिया गया है। दोस्तों इस मूवी का टीजर जल्द ही यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी और ये मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। ये भोजपुरी मूवीज जितनी भी हैं इनमें से सबसे ज्यादा एक तो गोरखपुर का महादेव का गोरखपुर मूवी का इंतजार रहेगा, दूसरा वन मैन आर्मी का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, उसके अलावा पवन सिंह की पावर स्टार रंग दे बसंती, ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट लाइक वीर हनुमान, सिया राम, ये मूवीज जो दिख रही है ये बड़े स्केल पे बनने वाली है। मोस्ट ऑफ द मूवी इसमें जो है वो मतलब देख के अपन को ऐसा मतलब हम नॉन भोजपुरी और हमको ऐसा लग रहा है कि भाई भोजपुरी इस बार काफी कुछ अलग करने वाला है 2024 में, मतलब और कुछ अच्छी मूवीज देखने को मिलने वाली है, जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 4। ये सीरीज भी बहुत कमाल की यार, इसकी तो हमने मूवीज भी देखी हुई है, तो सारी मूवीज देखी है अपन ने, कॉमेडी नेक्स्ट मतलब सारी एक देखी है, लेकिन दूसरों के हमने कुछ सीन्स देखे हैं तो उस हिसाब से बता रहे हैं हम कि कमाल की मूवीज है और उनके व्यूज जो है मिलियन में, 200 मिलियन, 150 मिलियन ऐसे यूट्यूब पर व्यूज पर मिलियन है में व्यूज है, तो उससे पता चलता है कि मूवी कितनी हिट है। तो ये तो कन्फर्म है कि ये वाला जो साल होने वाला 2024 1000 करोड़ का होने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। ये 10 मूवी ऐसी है तो और छोटी मोटी मूवीज बीच में आ जाएंगी, वो 50 लाख 1 लाख करोड़ कमा जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के पास पूरा चांस है कि इस बार 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर ले। नहीं नहीं यार, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में रेवेन्यू के वो कम, उनको स्क्रीन कम मिलती है, तो 1000 करोड़ तो नहीं, 100-200 करोड़ का मान सकते हैं अपन। 1000 करोड़ तो ज्यादा हो जाएगा ना यार, वो तो
ये वो मार्केट कम है ना इनका, सब मिला के हो भी सकता है क्या भरोसा? हाँ ये भी कह नहीं सकते कि क्या लगता है 100 करोड़ या 1000 करोड़ भोजपुरी का मार्केट कितना बड़ा है, क्या ये 10 मूवी मिल के 100 करोड़ कम्पीट कर पाएगी? कमेंट करके बताना, या कोई एक मूवी 100 करोड़ कर जाए भाई भरोसा नहीं है, पता चले वो महादेव का गोरखपुर जो मूवी है वही 100 करोड़ कमा जाए तो पैन इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया में रिलीज हो रही है वो अकेली मूवी 100 करोड़ कमा जाए तो फिर तो भरोसे नहीं, क्योंकि पैन इंडिया मूवीज बहुत ज्यादा चल रही है आजकल और उन पर कमाई भी अच्छी हो रही है और उसको स्क्रीन भी मिलेगी तो हो सकता है वो मूवी अच्छा खासा पैसा कमा जाए, कह नहीं सकते ना। आपको क्या लगता है? इसके अलावा दूसरे भी सब्जेक्ट काफी अच्छे लग रहे हैं, हाँ जैसे कि वीर हनुमान वाला, पवन सिंह का सियाराम और राम राज स्टार भी अच्छी, पावर स्टार भी टीजर हमने देखा जो बर्थडे पे आया था पवन सिंह के। देख अगर मैं एवरेज भी मान के चलूंगा यार, एवरेज मूवी भी 2 करोड़ भी 3 करोड़ भी कमाती है 5 करोड़ भी कमाती है तो 10 मूवी के 5 करोड़ के हिसाब से 50 करोड़ तो कन्फर्म है। एक एवरेज मूवी कोई ज्यादा कमाएगी कोई कम कमाएगी तो उस हिसाब से 50 करोड़ तो कन्फर्म है। अब उसके बाद ऊपर जो कमाए वो बोनस, तो इसका मतलब 100 करोड़ तो कन्फर्म है। अब 100 करोड़ के ऊपर अगर कमा लेती है मूवी, क्योंकि दूसरी मूवी भी तो आएगी ना बीच में, तो सिर्फ 10 मूवी थी, इसके अलावा भी तो भोजपुरी मूवी बनेगी तो 50 करोड़ कन्फर्म, 100 करोड़ तो ऑब्वियसली यार कमाना ही चाहिए इस साल, भोजपुरी का 100 करोड़ का मार्केट तो कन्फर्म है। अब इसके ऊपर कितना कमाती है ये मूवीज पर भी डिपेंड करेगा और मूवीज चलने के बाद उनको स्क्रीन्स कितनी मिलती है उस पर भी डिपेंड करेगा। यार सच में भोजपुरी मूवीज को स्क्रीन देना चाहिए और आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए सिनेमा हॉल्स वालों से या जो भी अथॉरिटीज़ होती है उनसे कि यार भोजपुरी मूवीज को भी स्क्रीन्स दो आप थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे, प्रोड्यूसर्स रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। भले स्टार्टिंग में कम सपोर्ट मिलेगा उन्हें, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि भोजपुरी मूवी बड़े लेवल पे लग रही है यार, मुंबई के मल्टीप्लेक्स में लगी है, इंदौर के मल्टीप्लेक्स में लगी है, तो हम भी तो जाएंगे ना देखने, हम भी तो सोचेंगे यार चलो भोजपुरी मूवी देख के आते हैं कैसी लगती है। तो यार ये प्रोड्यूसर्स को मिलके कुछ करना चाहिए इसका कि स्क्रीन 30-40 स्क्रीन में क्या होता है, आप सैटेलाइट के लिए मूवीज क्यों बना रहे हो जब पूरे इंडिया की इंडस्ट्रीज सिर्फ थिएटर के लिए मूवीज बना रही है। मैं उनका मेन उनका मकसद है कि थिएटर पे पब्लिक 100 करोड़ देखे जाए, वो 100 करोड़ की ही मूवी बनाना चाहता है हर बंदा, तो आप सैटेलाइट पे उसको 2-5 करोड़ 3 करोड़ में बेच के क्या ही कमा लोगे यार, नाम तो होगा नहीं उसमें आपका। ये चीज़ तो इनको करना चाहिए यार। सो अगर आप लोग हमारी बात से सपोर्ट करते हो तो यार कमेंट करो, ये पहल आगे बढ़ाओ जरा, थोड़ा स्क्रीन्स लो, कम से कम एक स्क्रीन पर सिटी तो लो, ज़्यादा नहीं एक स्क्रीन पर सिटी भी हो गया ना तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा धीरे धीरे, फिर वही 1 से 2 स्क्रीन होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 5 होगी, ऐसे स्क्रीन्स बढ़ती जाएंगी, तो कम से कम एक स्क्रीन पर सिटी भी हो जाए तो इंडिया में कितने शहर हैं, हर शहर में एक एक स्क्रीन भी मिल जाए तो काफ़ी काम हो जाएगा। बिल्कुल, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने भोजपुरी को सपोर्ट करना चाहते हैं या साउथ की फिल्में देख के ही खुश रहना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। साउथ ने भी अपना मुकाम ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ाया है, आज उनकी मूवी पैन इंडिया रिलीज हो रही है ना, तो वो पहले उनकी मूवी भी यहाँ रिलीज नहीं होती थी, जब वो हिंदी डब होकर के आती थी 3 महीने बाद तब अपन देख पाते थे, पहले तो यही होता था ना 3-4 महीने बाद वो टीवी पे आती थी, नाम बदल के पता नहीं क्या मेरी जंग ये जंग, ओरिजिनल नाम कुछ और होता था मूवी का, हाँ तो वो बदल के आती थी, लेकिन अब ओरिजिनल नाम के साथ में यहाँ पे रिलीज होती है और थिएट्रिकल रिलीज मिल रही है, अच्छी खासी स्क्रीन्स मिल रही है उनको, तो अगर ये भोजपुरी करेगा तो मेरे ख्याल से उनको भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। साउथ में तो ये होता है भाई कि मूवी का कंटेंट अगर अच्छा रहता है ना तो स्क्रीन बढ़ा दी जाती है, शुरुआत में भली कम मिलती है लेकिन फिर डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं उसको देखने तो स्क्रीन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो ऐसा ही कुछ कंटेंट इज़ द किंग मैं तो ये मानता हूँ, तो कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तैयार करो, आप भी करो और थोड़ा अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट करो, और अगर आप भोजपुरी के सपोर्टर हो कि भोजपुरी देखना पसंद करते हो तो आपको ये सपोर्ट करना पड़ेगा, अपना एक स्टेटस बनाना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो। ये भी सही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को अट्रैक्ट, कॉन्टेंट तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है इस साल, तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस लाइक निरवा हिंदुस्तानी 4 तो एक सी मूवी है कि वो मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्योर नेचुरल फैमिली कॉमेडी की मूवीज होती है निरवा हिंदुस्तानी की जो सीरीज है, तो इस तरह की मूवी तो मुझे डेफिनेटली श्योर है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, अगर आप लोग थोड़ा सा उसको प्रमोट करोगे उस लेवल पर तो मेरे ख्याल से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और अगर प्रदर्शन करेगी तो भोजपुरी, पहले तो हमें ये लगता था कि भोजपुरी मूवी 50-70 करोड़ कमाती है, लेकिन अभी हमारी आंखें खुल गई कुछ दिनों से। अभी रिसेंटली हमने इंटरव्यू लिया था रवि पंडित सर का, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि भाई सॉन्ग्स में क्या बजट यूज़ होता है और सॉन्ग्स कितना कमाते हैं, तो इस बारे में एक वीडियो आप देखेंगे, हम वो एक क्लिप रिलीज़ करने वाले हैं उसकी, तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने कम पैसे में प्रोडक्ट बनता है और कितना कमा लेता है वो, तो इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लोग यही सोचते हैं कि कम में जब कमा रहे हैं तो ज़्यादा में जाने की ज़रूरत क्या है, तो
तो ये थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स को अपना जेब हल्की करना पड़ेगी, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन फॉर फ्यूचर उनको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। भोजपुरी टॉक्स में भोजपुरी को लेकर बहुत बातें करते हैं, तो प्लीज़ भोजपुरी टॉक्स देखना मत भूलें, हमारे सारे एपिसोड गौर से देखा करें। हम बहुत कमाल के इंटरव्यूज़ भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भोजपुरी के जानी मानी हस्तियों के हम इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि और इंटरव्यू लें हम आगे भी, तो वो इंटरव्यूज़ भी और हमारी बातें भी कुछ भोजपुरी को लेकर, हमारे प्रिडिक्शंस भी हैं, हमारी दिल की जो बातें निकलती हैं हमें वो भी हम बोल देते हैं, तो आप वो एपिसोड्स देखना मत भूले। और ये मूवीज़ जो हैं वो क्या करेगी वो तो फ्यूचर ही बताएगा। हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी भी पैन इंडिया रिलीज़ हो और अच्छी स्क्रीन मिले और हम भी किसी दिन हमारे इंदौर की किसी स्क्रीन पर भोजपुरी की कोई मूवी देखने जाए। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलता है अगले वीडियो में।